हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 2, कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट्स, एज यू स्टडीड इन द लास्ट क्लास दैट कंप्यूटर हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी मेमोरी। स्टूडेंट्स, As you know, primary memory is computer's memory, but it has very limited capacity, so we need some extra memory. For example, जैसे कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगाते हैं, क्योंकि फ़ोन की अपनी मेमोरी बहुत कम होती है और उस मेमोरी में हम अपने फ़ोन की सारी फीचर्स लाइक प्ले गेम्स, वॉच मूवीज़, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा नहीं चला सकते, इसलिए हम फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दैट वी यूज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इन आर कंप्यूटर टू इंक्रीज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। दिस स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर CD, DVD, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। बट स्टूडेंट्स, CPU कैन नॉट असेस दीज डिवाइसेस डायरेक्टली। स्टूडेंट्स, पहले ये डाटा प्राइमरी मेमोरी में जाता है और फिर CPU इस डाटा को असेस करता है। दैट्स वाई द सेकेंडरी मेमोरी इज़ वेरी वेरी स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। ये क्या है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है, क्योंकि इसे अपने डाटा को असेस करने के लिए सबसे पहले अपने डाटा को प्राइमरी मेमोरी में भेजना होता है, इसलिए ये बहुत स्लो होती है। दिस मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेमोरी यूनिट्स। As we measure the different things in kilograms, liters, meters, etc., just like that we measure the computer's memory in bits and bytes. Bit is the smallest unit of computer memory. It is stored in the form of zeros and one, which are known as binary digits or bits. A group of 8 bits is known as 1 byte. So students, like that 8 bits is equal to 1 byte. 8 bits milke ek byte banate hai. To isi tarah hi ye sari storage capacity like 1024 bytes is equal to 1 kilobyte, yani ki KB. 1224 बाइट्स किसके बराबर हैं, 1 KB के। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB यानी कि मेगाबाइट्स। 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट्स। 1000 GB इज इक्वल टू 1 TB TB। 1000 TB इज इक्वल टू 1 PB यानी कि PB। 1024 PB इज इक्वल टू 1 EB यानी कि EB। 1024 EB इज इक्वल टू 1 ZB ZB। 1024 ZB इज इक्वल टू 1 YB। स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क इज बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइस। मीन्स हार्ड डिस्क कंप्यूटर में CPU के अंदर पहले से ही लगी हुई होती है, फिक्स होती है। मीन्स ये CPU में पहले से ही लगा होता है। अ हार्ड डिस्क इज कंप्यूटर्स ओन मेमोरी। ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है एंड इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है।
बट नाउ अडेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर अवेलेबल. स्टूडेंट्स, आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि हम एक्सटर्नली कंप्यूटर में लगा के उसकी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं. दीज आर ऑल्सो यूज एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. अ हार्ड डिस्क कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज. हार्ड डिस्क अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज में आती हैं, लाइक 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB एंड 5 TB. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.